दोस्तों, अगर आप अपनी फ़ोटो कुछ इस तरह से बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इसके लिए आपको अपनी खुद की फ़ोटो की ज़रूरत होगी, जो कुछ इस तरह से कैप्चर करना है, यानी कि खींचना है फ़ोटो को। सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ शेयर में। शेयर में जाने के बाद जाएंगे पिक्सआर्ट में। जैसे पिक्सआर्ट ओपन होता है, यहाँ साइट में जाकर जाएंगे ड्रॉ में। ड्रॉ में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ सिलेक्ट कलर, और वहाँ से वाइट कलर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ जाएंगे ड्रॉ मोड में और अपने ब्रश के साइज़ को एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपको जो हिस्सा कट करना है वो हिस्से को आप वाइट कलर कर लीजिए। कुछ बना तो समझ जाओ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जाएंगे यहाँ लेयर में। लेयर में जाने के बाद यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल में से आप सेलेक्ट कर लीजिए मल्टी। मल्टी सेलेक्ट करने के बाद आप अभी पहली लेयर में है, अब जाए दूसरी लेयर में। दूसरी लेयर को एक्शन लेयर एक्शन में जाके कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद ये जो दूसरी वाली लेयर है उसको तीसरी वाली के साथ मर्ज करना है। इसके लिए दूसरी वाली लेयर में जाने के बाद जाए लेयर एक्शन और फिर मर्ज। मर्ज करने के बाद ये जो दूसरी वाली लेयर है उसको ऊपर ले लेंगे। ऊपर लेने के बाद इसकी चार कॉपी करेंगे। उसके लिए जाएगी यहाँ लेयर एक्शन में, फिर कॉपी, ये दो हो गई कॉपी, तीन हो रही है चार। चार कॉपी होने के बाद सब लेयर को हाइड करना है। उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा हाइड करने के लिए। अब जो चौथी वाली लेयर है उसमें जाके उसकी ओपेसिटी हम 50% जितना रख देंगे। उसके बाद तीसरी वाली है उस लेकर रखेंगे 35, दूसरी वाली की रखेंगे 20 और इसकी 10। इसके बाद दोबारा जाएंगे चौथी लेयर में और उसको अनहाइड करेंगे। अनहाइड करने के बाद जाएंगे लेयर एक्शन और फिर ट्रांसफर। वो अपनी इमेज को अपनी जगह पे सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद यहाँ से ओके कर लीजिए। फिर जाए यहाँ तीसरी वाली लेयर में, उसको अनहाइड कीजिए, जाए लेयर एक्शन और ट्रांसफर। फिर दोबारा से अपने फ़ोटो को सेट कर लीजिए अपने जगह पर। फिर यहाँ से ओके। फिर जाएंगे दूसरी वाली लेयर में, उसको अनहाइड करेंगे, लेयर एक्शन और ट्रांसफर। और फिर यहाँ से ओके। फिर जाएंगे पहली वाली, यहाँ से अनहाइड, लेयर एक्शन, ट्रांसफर। अब यहाँ से ओके। उसके बाद लेयर पैनल को क्लोज कर देगी। अब ये फ़ोटो तैयार हो चुकी है। अब फ़ोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे जाए डन। डन में जाने के बाद जाए यहाँ ओके। ओके में जाने के बाद यहाँ गैलरी, और आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।